नमस्कार, शांतिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पत्ता गोभी वाले चावल बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये 2 कप पके हुए चावल लिया है, 2 कप पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, तेल, ये हरी चटनी है, इसमें मैंने 5-6 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। 2 प्याज बारीक कटा हुआ, ये 100 ग्राम मटर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच राई, 2 चुटकी हींग, 1 तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च, 2 इलायची, 2 लौंग और नमक टेस्ट के अनुसार। आइए अब शुरू करते हैं। पैन में हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले हम ये डालेंगे। राई और हींग, इसके बाद ये तेज पत्ता, लाल मिर्च, ये लौंग इलायची, इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हम ये कटा हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम मटर डालेंगे। ये पत्ता गोभी भी डाल देंगे। और इसको 2 मिनट ढक कर पकाएंगे, थोड़ा सा मटर गलने तक। दो मिनट हो गया है, सब्जी हल्की सी गल गई है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम ये जो चटनी मैंने पीसा था इसको डाल देंगे। और मिक्स कर देंगे। ये धनिया भी थोड़ी सी पक गई है, अब हम इसमें चावल को मिक्स कर देंगे। पहले गरम मसाला डाल देंगे। अब चावल को मिक्स कर देंगे। मैं ज़्यादातर चावल इसी तरह से बनाती हूँ। मेरी एक वीडियो मटर टमाटर चावल वाला भी है, वो भी मैंने ऐसे ही बनाया है। एक पालक वाले चावल भी मैंने इसी तरह से बनाया है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसमें सब्जियाँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा गला सकते हैं।
बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां भी जो चाहें आप मिला के बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अब इसको हम, ये मिक्स हो गया है, गैस ऑफ कर दिया, अब इसको हम सर्व करेंगे। पत्ता गोभी वाले चावल बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसे आप पापड़, चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।